मम्मा किड्स स्टोरीज। एक गिद्ध अपने चार बच्चों के साथ एक पेड़ पर घोंसला बना के रहता था। एक दिन सुबह में वो अपने भूखे बच्चों के लिए खाना ढूंढने के लिए निकला। पूरे गांव में वो घूमा खाना ढूंढने के लिए काफी समय तक, पर उसे खाना मिला ही नहीं। थक कर वो वापस अपने घोंसले में आ गया तो उसके बच्चे भूख की वजह से रो रहे थे। वो फिर से निकला खाना ढूंढने के लिए, लेकिन कुछ नहीं दिखा उसे। एकदम ही उड़ते उड़ते उसकी नजर बकरी के एक नन्हे से बच्चे पर पड़ी। वो अकेला ही खेल रहा था, उसके साथ कोई भी नहीं था। गिद्ध ने सोचा, ये तो बढ़िया खाना है, इससे मेरे बच्चों का और मेरा भी पेट भर जाएगा। वो चुपके से एकदम तेज उसके पास गया और अपने तेज पंजों से वो नन्हे से बच्चे की गर्दन पकड़कर उड़ गया। बच्चा रास्ते में चिल्ला रहा था, माँ माँ माँ। एकदम ही अपने बच्चे की आवाज सुन के बकरी जल्दी से उसको ढूंढने के लिए घर से बाहर आई। पहले तो कोई नहीं दिखा उसे, फिर दूसरी बार बच्चे के चिल्लाने पर उसने ऊपर आकाश में देखा तो उसका बच्चा गिद्ध के पंजे में था। वो बकरी चिल्लाती हुई उसके पीछे जाने लगी। वो गिद्ध उसके बच्चे को लेकर अपने घोंसले में चला गया। बच्चे उनका खाना देखकर बहुत खुश हो गए। गिद्ध ने कहा, लो बच्चों, आज का एकदम ताजा और बढ़िया खाना। अब वो बकरी पेड़ के नीचे जाकर चिल्लाने लगी, मेहरबानी करके मेरे बच्चे को छोड़ दो, मैं तुमसे विनती करती हूँ, उसको कुछ मत करो प्लीज। गिद्ध बोला, इसे जाने दू तो मेरे बच्चे भूखे रह जाएंगे, तो मैं इसे बिल्कुल नहीं जाने दूंगा। बकरी रोने लगी, चिल्लाने लगी अपने बच्चे को छुड़ाने के लिए, लेकिन गिद्ध जरा सा भी नहीं माना। तो बकरी ने सोचा, मुझे ही कुछ ऐसा करना होगा कि गिद्ध मेरे बच्चे को छोड़ दे। उसने आसपास नजर घुमाई तो दूर कुछ लकड़ियां जल रही थी। उसको देख के बकरी के दिमाग में एक आइडिया आया, जबरदस्त आइडिया। वो वहां जाके जल्दी से एक जलती हुई लकड़ी ले आई और बोली, जल्दी से मेरे बच्चे को छोड़ दो, वरना मैं ये जलती हुई लकड़ी से ये पेड़ को जला दूंगी। तुम तो उड़ के बच जाओगे, लेकिन तुम्हारे बच्चे को अभी तक उड़ना नहीं आता है, वो वहां ही जल के मर जाएंगे। अब गिद्ध डर गया। उसने तुरंत ही बकरी की बात मान ली और उसके बच्चे को फिर से पकड़कर उसकी माँ के पास रखाया, अपने बच्चे को बचाने के लिए। अब वो फिर से गिद्ध खाना ढूंढने के लिए निकल पड़ा और बकरी और उसका बच्चा फिर से अपने घर पे आ गए। चलो तो बच्चों, जल्दी से मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दो और हाँ, ये स्टोरी को जल्दी से लाइक कर दो और अपने सारे दोस्तों में शेयर कर दो।